मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विपक्षी दलों की बैठक के कारण ही एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया एनडीए को पूरी तरह से चुनौती देगा। मीडिया को भी नरेंद्र मोदी को हटाकर ही स्वतंत्र किया जा सकता है। तब हुआ है 26 पार्टियों की हो गई है नीति। आप जानते हैं 16 से जिसमें से एक नहीं आ पाए थे उनको बाहर चले गए, तो 12 को तो रखते ही लेकिन पहले को जो मिला था तो फिर वही रहे। और उस पर हमने जो लोगों का नाम और किया वही थे और 8 लोग और तीन हो गए, तो 26 लोगों की मीटिंग थी और काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई सब लोगों से। अब तक हो गया और वहाँ को हम सब जानते हैं 18 को चलते हमको लग रहा था कि हम चले हम चले हम सबको कहा जी जब हो गया मीटिंग को नाराजगी बता रही है कि आप नाराज आप लोग भी यहाँ बैठे हम चले गए थे बात हो गई थी वही लोगों को कहना थोड़ा पर कही ऐसी खास बात नहीं हम तो बोल ही दिए थे हम जब निकलने पीछे कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे ये लोग कह रहे कि वो नाराज होकर चले गए नहीं और तो मीटिंग सब बात हुई है ना सब तरह की बात सारा तरह से बात सबने का सुना हुआ है और उसको लोग घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग निकले साथे पर खाना खाया और उसका सब आपने के साथ बता दी थी तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है अटल जी के टाइम में 1999 में बना एनडीए और उसके बाद ये लोग कभी एनडीए करते थे पहले एनडीए के हर पार्टी की मीटिंग होती थी अटल जी के टाइम बाद में कभी हुआ है कि इंडिया नाम के आपस के साथ थे इनों के साथ अभी गए थे फिर पांच साल बता तो नहीं सकते अभी क्योंकि हम लोग एक मीटिंग करवा दिए तो इसलिए इन लोगों को लगा कि एक मीटिंग कर अब बताइए ना अजय लोगों का नाम आया तो किसी का जानते हैं कौन सी पार्टी अरे हम लोग क्या तो मीटिंग हुआ है तो सब मोन है पार्टी 16 पार्टियां तो सब राज्यों की बाकी सब राज्यों में और भी रीजनल पार्टी वो तो सब प्लस हुआ है इनका तो ऐसे ही है अब किसी को हम निकाल दिए तो वो सब हम तो जान कर कहते कि ज्वाइन कर लिया बाहर जाइए हम डरते थे वो रहेगा यार ये जो 23 तारीख को होना था और मीटिंग में बैठता था तब खबर होता था जान गए थे ये हमने कह दिया था हम लोगों ने बैठे या तो आप मर्ज करिए नहीं तो चाहिए और दो दिन का टाइम कोई मतलब वैसे ही अपना चलते रहता है लेकिन बात यह है कि भाई आप लोगों के साथ क्या सारे को मीडिया पर कब्जा कर लिया है और उसी तरह से हम लोगों की बात को पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन बाकी फिर उन्हीं का बात चलेगा तो देख लीजिए 24 या उसके पहले जब भी चुनाव कराए हम लोग लगे हुए हैं कि वो अलग हट जाए तब फिर आप लोग भी स्वतंत्र हो जाइएगा मीडिया के लोग फिर सही बात देश के अंदर जो भी है चर्चा उसी की करेगी और उससे देश को फायदा होगा। प्रधानमंत्री पहले कितना बढ़िया होता था जी मीडिया का क्या बोले हम आपको जब MP थे अजोध थे सब दिन बैठते थे और लोग कितना खुश होते थे आप लोग आवाज तो नहीं देखिएगा और याद करिए ना जब हम यहाँ MLA थे या MP थे या मंत्री थे उस समय की तरह देखिए तब मीडिया का रिपोर्ट और यहाँ भी जब हम आए तो तब का भी रिपोर्ट बात देखिए शुरू में लेकिन अब क्या है अब तो कुछ रहा नहीं ये तो पहले ही से कोशिश कर रहे थे लेकिन 3-4 साल से एकदम पक्का हो गया तब क्या अब कोई मतलब नहीं हम तो आप लोगों से जब पूछते हैं तब बात करते हैं लेकिन हम ऐसे ही कहते हैं कि आप लोगों को बेकार करते
के लिए एनडीए को कितनी बड़ी चुनौती होगी। पूरी चुनौती हो गई और अभी आप जान लीजिए लोगों को पता नहीं है, और जब सही समय आएगा तो इसकी भी संभावना है कि कुछ और लोग भी शामिल हो। हम नाम नहीं लेंगे अभी, नहीं तो पता चला कि उस पर क्या क्या कर देगा। इसलिए सब बहुत अच्छा माहौल होगा और मिल करके देश के हिस्से हम लोग देश का इतिहास ही लोग बदल देंगे। आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं, सब कुछ खत्म कर देंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।